हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल 360 कनेक्ट फाइनेंस। आई एम योर होस्ट सौरभ सक्सेना। आज के वीडियो में हम नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के बारे में बात करेंगे। जो भी आज हम स्टेप्स देखेंगे वो सभी स्टेप्स एनपीएस के मोबाइल ऐप, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईओएस डिवाइसेस जैसे कि आईपैड या आईफोन, उस पर सेम रहेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट अस लॉग इन इनटू एनपीएस पोर्टल। तो अब हम एनपीएस के पोर्टल पे चलते हैं। आपको यहाँ यूजर आईडी में अपना प्रान नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर डालना है, पासवर्ड में जो भी आपको पासवर्ड मिला है या जो भी आपने पासवर्ड रीसेट किया है, और कैप्चा में इसको ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वो डाल देते हैं, और यहां आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब मैं एनपीएस के पोर्टल में लॉगिन कर चुका हूं। अब मैं यहां ट्रांजैक्ट ऑनलाइन मेनू पे क्लिक करूंगा जो लेफ्ट मोस्ट पे है, और उसके बाद चेंज पीएफएम पेंशन फंड मैनेजर पर क्लिक करूंगा यदि मुझे पेंशन फंड मैनेजर को चेंज करना है, और यदि मुझे अपनी स्कीम में कोई चेंजेस लाने हैं तो मैं यहां चेंज स्कीम प्रेफरेंस पे टैप करूंगा। ये मेरी नेक्स्ट स्क्रीन आ गई है। इसमें मुझे अपना टियर टाइप सिलेक्ट करना है। सो फॉर टियर टू के लिए आप अपना अकाउंट टियर टू यहां पे सिलेक्ट कर लीजिए और क्लिक सबमिट पर कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं फॉर टियर टू अकाउंट मेरा जो करंट पेंशन फंड मैनेजर है वो HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी है, और यदि मुझे अपना पेंशन फंड मैनेजर चेंज करना है तो मुझे PFM चेंज के बॉक्स में टिक कर लेना है, और इसको टिक करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे सेम पेज पर नीचे PFM नेम आपको शो करने लगेगा और उसके साथ ऐड बटन आपको दिखने लगेगा। अब मैं यहां अपना पेंशन फंड मैनेजर चेंज करने के लिए ऐड पर क्लिक कर देता हूं। यहां एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। इस ड्रॉप डाउन में जितने भी पेंशन फंड मैनेजर हैं जो PFRDA से अप्रूव्ड हैं वो सभी यहां शो करने लगेंगे। तो सपोजिंगली मुझे यहां पे HDFC पेंशन मैनेजमेंट से ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजर को चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट स्क्रीन पर यहाँ सबमिट कर देना है। तो आप यहाँ पे कोई भी PFM चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन सबमिट। नेक्स्ट स्क्रीन पर अब आपको यहाँ पे शो करने लगेगा पेंशन फंड मैनेजर चेंज फ्लैग यस है, क्योंकि हमने लास्ट स्क्रीन पे अपना नया फंड मैनेजर चूज किया है। इसको फर्दर चेंज करने के लिए हम यहां पे सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। यहां पर आपको OTP NPS के द्वारा या तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मिल जाएगा। जैसे ही आपको आपका OTP रिसीव होता है आप उसको यहां पर इस बॉक्स में एंटर कर दें एंड सबमिट OTP पर क्लिक करें। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और सेम नोटिफिकेशन आपको SMS के द्वारा आपके मोबाइल फोन पे तथा ईमेल के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। वहां से NPS 3 से 4 दिन लेता है आपके पेंशन फंड मैनेजर को चेंज करने के लिए, और पेंशन फंड मैनेजर चेंज होने के बाद आपको एक और नोटिफिकेशन आता है आपके ईमेल पर तथा आपके मोबाइल पर, और उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं NPS के इस पोर्टल पे लॉगिन करके एवं मोबाइल ऐप के द्वारा आप उसको
चेक कर सकते हैं कि आपका पेंशन फंड मैनेजर है वो चेंज हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से आप अपना पेंशन फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको जानना है कि पेंशन फंड मैनेजर को कब चेंज करना चाहिए या क्या पैरामीटर देखने चाहिए किसी भी पेंशन फंड मैनेजर को चेंज करने के लिए, या आपको कौन सी स्कीम एडॉप्ट करनी है एनपीएस टीयर वन अकाउंट के लिए, देयर आर डिफरेंट एसेट क्लासेस, तो आपको कौन सी एसेट क्लास चूज करनी चाहिए, उसका परसेंटेज एलोकेशन डिफरेंट एसेट क्लास का इक्विटी में, डेट में, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में कितना होना चाहिए, आपकी स्कीम एक्टिव चॉइस होनी चाहिए या ऑटो चॉइस, यदि आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या इसके अलावा यदि आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप फील फ्री मेरे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं जिसका जवाब मैं जल्दी से जल्दी दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो इफ़ यू लाइक माय एफर्ट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माय दिस चैनल। टिल देन, बाय बाय।